कॉल मी बे के सेकंड एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है बे इन बॉम्बे। तो हमारी जो पापा की परी है फाइनली बॉम्बे पहुंच जाती हैं एंड वो पहली बार टैक्सी में बैठी होती है, सही बता रहा हूँ। एंड इसके बाद होता यह है वो पहुंचती है होटल, और ये होटल किसका है भाई, ये होटल बे का ही है और इसके मम्मी पापा का होटल भी है, वो भी बॉम्बे में आया है। ये होटल के मैनेजर के पास जाती है, अब ये सबको हाय बोलती है क्योंकि ये सबको जानती है। मैनेजर बोलता है मैडम बताइए कौन सा रूम दूं आपको, एंड फिर बे कहती है कि चलिए ठीक है मैं आपको ये कार्ड्स दे रही हूँ, ये लीजिए कार्ड्स और मेरे लिए इकोनॉमिक रूम ही बुक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो चौंक जाता है कि यार ऐसा कैसा हो सकता है मैम, आप लग्जरी रूम में नहीं रहेंगे। एंड इधर बे बता नहीं रही होती कि मुझे घर से निकाल दिया गया है एंड कार्ड्स वार्ड्स जो है वो मेरे स्वाइप नहीं हो पा रहे हैं। वो पूछती है कि मेरे भैया आए हैं क्या यहाँ पे, तब होटल का मैनेजर कहता है नहीं यहाँ पे भैया आपके आए नहीं है और आप बताइए आप क्यों आई हैं यहाँ पे। तब वो बोलती है कि नहीं नहीं भैया ज़रूर आएंगे और जब वो आएंगे तो मुझे बता देना। एंड देन उसके बाद बे जो है जाती है एंड मस्त नहा रही होती है। देखो नहाते हुए तो दिखाया जाता है बट तुम ज़्यादा मत सोचो ठीक है, मैं भी नहाते हुए दिखा रहा हूँ तुमको इसको, देखो कितनी क्यूट लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, चलो देख लिया ना। अब होता यह है बे जो है चाय पीने की कोशिश करती है, तभी इसके रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें होती हैं मतलब कि ऐसी होती हैं। एंड फिर होता यह है जब वो अपना रूम खोलती है तो उसमें एक लड़की होती है और वो लड़की कोई और नहीं उसी होटल में काम करने वाली एक लड़की होती है जो उसके बेड पे कूद रही होती है क्योंकि वो क्रिकेट मैच देख रही है। अब बे बोलती है तुम मेरे रूम में कर क्या रही हो और मेरे बेड पे क्यों कूद रही हो और तुम क्रिकेट मैच क्यों देख रही हो मेरी टीवी में क्यों भाई क्यों। एंड इसके बाद वो समझाती है कि मैम आप शांत हो जाइए, आपकी जो कार्ड्स है वो डेक्लाइन हो चुके हैं और अब आप यहाँ पे नहीं रह सकती, तो आपको प्लीज एक घंटे में अपना रूम जो है वो खाली करना पड़ेगा। अब बे सोचती है कि यार ये क्या बात हो गई, मेरे कार्ड चल क्यों नहीं रहे। एंड देन होता ये है वो लड़की बता देती है कि देखिए मैम मेरा नाम है सायरा अली और मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कीजिए। एंड उसको वो एक कार्ड देती है कि अगर आपको रूम ना मिले तो ये ट्राई कीजिएगा, जरूर आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से बे जो है वो मायूस हो जाती है, अब बे समझ नहीं पा रही होती कि वो करे क्या। एंड देन होता ये है बेला जो है वो जाती है एक रूम में जहाँ पे उसका भाई और उसका हस्बैंड जो है वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। एंड उसका हस्बैंड बोलता है कि देखो मेरी वाइफ ने मुझे चीट किया है एंड वो उसकी फोटोज डिलीट कर देता है। यहाँ बे लड़ने लग जाती है अपने हस्बैंड से। एंड देन फिर उसका भाई बोलता है तुम लॉस एंजलिस क्यों नहीं गई। एंड देन यहाँ पे बे बोलती है देखो मेरे को जाना ही नहीं था, मेरे को यहीं रह के सब कुछ ठीक करना था। एंड अगस्त बोलता है कि इसको निकाल दो यहाँ से और इसको एक फ्लैट दे दो, इसको लग्जरी कार दे दो और लेकिन इसको यहाँ से निकालो। एंड देन बे बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड उसने एक डायमंड की रिंग पहनी होती है, वो उसे उतार के दे देती है और कहती है कि जाओ मेरे को नहीं रहना है। एंड इसके बाद उसका भाई उसे एक चाबी देता है फ्लैट की, बट बे जो है वो फ्लैट की चाबी नहीं लेती है एंड वो कहती है कि मैं मुंबई में रह के दिखाऊंगी तुम लोगों को और तुम लोग मेरे पे एक दिन नाज करोगे। साथ साथ पतिदेव जी आपको रिग्रेट हो रहा है ना कि तुमने मेरे से शादी क्यों कर ली, तो देख लेना एक दिन तुम ही फक्र से बोलोगे कि ये मेरी वाइफ थी। एंड इसके बाद बे वहां से चली जाती है। एंड फिर होता यह है होटल के सारे जो लोग होते हैं स्टाफ होते हैं वो उसको पैसे दे रहे होते हैं कि मैडम ये चेक रख लीजिए, ये पैसे रख लीजिए, ये चैन रख लीजिए, आपने ही तो ये सब दिया था ना। पर बे जो है वो कुछ भी नहीं लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं मैं ये सब नहीं ले सकती आप लोगों से, आप लोग रखिए और आपने बोल दिया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इसके बाद यहाँ पे बे जो है ऑटो में पहली बार बैठती है, हाँ भाई ऑटो में पहली बार बैठती है। वो पूछती है यार इसमें सीट बेल्ट नहीं होता क्या, एंड फिर सायरा बोलती है कि नहीं भाई इसमें सीट बेल्ट नहीं होता। अब सायरा जो है उसे बताती है कि मैं एक जगह लेके जा रही हूँ आपको जो हॉस्टल है। वो कहती है कि यार पैसे तो है नहीं मेरे पास। एंड फिर वो अपने पर्स में देखती है एंड सायरा देखती है वाओ ये जारा का बैग है, मैं बहुत दिन से पैसे बचा रही थी। एंड इसके बाद यहाँ पे बे जो है वो उसको बैग गिफ्ट कर देती कि भाई ले जा मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं। एंड इधर वो निकालती है अपने पर्स में से $100 एंड वो कहती है कि इसको एक्सचेंज करा लेना। एंड फिर वो कहती है कि ये मेरे पहले जॉब से मिला है। एंड वो बताती है कि मेरा पहला जॉब क्या था, वो एक एनिमल फार्म में काम करती थी जहां पे उसे एनिमल्स की देखभाल करनी पड़ती थी और उस एनिमल फार्म में एक आउल था जो कि किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था और बे ने उसे ठीक कर दिया था आउल वाले कपड़े पहन के, जिस वजह से आउल उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। इसके बाद सायरा और बेला जो है वो आ जाते हैं हॉस्टल में और फिर यहाँ पे सायरा जो है वो रिसेप्शनिस्ट पे लाइन मारने लग जाती है कि भाई आप चाबी दे दे। एंड वो बताती है कि ये जो हॉस्टल है इसका एक रूल है कि 3 वीक्स से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, इसलिए मैं 3 वीक रहती हूँ, 4 वीक में मैं जाती हूँ लड़कों को पटाती हूँ उनके घर रहती हूँ और अगले वीक उनसे ब्रेकअप करती हूँ और वापस से 3 वीक के लिए रहने आ जाती हूँ इस हॉस्टल में। एंड यहाँ पे बे जो है वो कहती है यार ये तो कितना अच्छा है। एंड इसके बाद वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देती है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है बे जो है वो पहली बार मिलती है इतने सारे लोगों से एंड इसके खूब सारे दोस्त भी बन जाते हैं।
तो भैया हमारे पापा की परी की हॉस्टल में सबसे पहले सुबह होती है, उसको हेल्दी हेल्दी खाने की आदत है पर उसे हेल्दी कुछ भी नहीं मिलता है। वो अपने दोस्तों को बोल रही होती कि यार मैं क्या करूं और मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है एंड मैं हॉस्टल की फीस कैसे भरूंगी। एंड इसके बाद उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि चल बता तूने क्या क्या कोर्स किया है। वो बहुत सारे कोर्स गिनाने लग जाती है एंड फिर उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि चल तूने फैशन का कोर्स किया ना, चल अब तू फैशन इन्फ्लुएंसर बन जा। एंड वो एक जगह पे जाती है जहां पे फैशन इन्फ्लुएंसर होता है, वो पूछता है कि भाई बता तुम्हें क्या क्या आता है। एंड इसके बाद वो अपनी स्किल्स बताने लग जाती है, तभी वो कहता है देखो पैसे तो दूंगा नहीं मैं आपको और मैं आपसे बहुत सारे काम भी करवाऊंगा। एंड फिर होता यह है यहां पे बे जो है वो बोलती है कि नहीं मैं आपके पास काम नहीं कर सकती। इसके बाद वो कहती है कि चल मैंने अपने आंटी के पास लॉयर का भी काम किया है एंड वो लॉयर की एडवाइजर बन जाती है। इसके साथ साथ वो क्लाइंट्स लाएगी लॉयर के पास एंड फिर वो एक कपल ढूंढती है जो कि डाइवोर्स चाहते हैं इस बात पे कि उसके पति को हनी सिंह का गाना पसंद है एंड उसकी औरत को अरिजीत सिंह का। ये दोनों सिंग सांग करते रहते हैं एंड देन यहाँ पे बी बोलती है यार जज साहब इसके लिए तो कभी नहीं मानेंगे, तुम कुछ और रीज़न ढूंढो। एंड फिर होता ये है यहाँ पे बी के पास ईयरबड्स होते हैं एंड वो कहती है कि लो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयरबड्स है, इसमें एक में हनी सिंह का गाना सुन सकते हो और एक में तुम अरिजीत सिंह का, देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एंड वो उसको गिफ्ट कर देती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि यार वो पति पत्नी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अपने दोस्तों के पास बैठ के कहती है यार मैंने इसलिए उनको अपना एयरबड्स दे दिया। इसलिए अब हॉस्टल का मालिक कहता है कि मेरे पैसे कब दोगी। यहाँ पे बी जो है वो रोने लग जाती है एंड फिर होता यह है जो सायरा है वो उसका गुची का बैग सेल कर देती है जिस वजह से उसका बैग जो है 52,000 में बिकता है एंड जिस वजह से होता यह है अब इस महीने की तो कैसे भी फीस आ गई थी लेकिन और वो हॉस्टल की जो फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से परेशान रहती है एंड वो पूछती रहती है कि यार मैं क्या करूं। एंड वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है न्यूज़ में आता है एंड ये बंदा जो है बेफालतू ही हर किसी को रुलाता है एंड न्यूज़ चैनल्स पे सबकी बेइज्जती करता है ताकि इसका जो चैनल है वो मिर्च मसाला के साथ चल जाए। एंड वो कहता है कि देखो मैं एकदम देसी आदमी हूं और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। तभी यहां पे बे जो है वो बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, जो इसने सूट पहना है ना वो सूट गुची पराडा का है, तो भाई मैं इसको हाथ लगा के बता सकती हूँ और ये कम से कम 1,00,000 रुपए का होगा एंड ये झूठ बोल रहा है। तभी होता यह है उसकी एक फ्रेंड जो होती है अरण्या वो वीडियो बना रही होती है एंड वीडियो बना के वो वायरल कर देती है यूट्यूब पे, जिस वजह से जो ट्रूथ स्पीक कर रही थी बे वो ट्रूथ वायरल हो जाता है एंड खूब सारे लोग उसको लाइक करते हैं एंड यहाँ पे अरण्या के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बे जो है सुबह उठती है एंड वो कहती है कि यार ये मुंबई वाला सीन जो है वो एक सपना है, मैं तो अपने बढ़िया घर में हूँ। एंड तभी उसकी आँख खुलती है एंड वो बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था क्या। एंड फिर होता यह है सायरा आती है और कहती है कि मैंने कहा था ना मैं तेरी जॉब लगवा दूंगी, चल तू मेरे साथ मेरे होटल में चल और वहीं काम करेगी। एंड फिर बे जो है होटल में काम करने लग जाती है। अब होता यह है बे को एक आदमी दिखता है जिसका नाम है नील नायर। नील नायर जो है वो एक न्यूज चैनल में काम करता है एंड वो स्विमिंग सीखने आया है बट वो स्विमिंग सीख नहीं पा रहा होता है। एंड इसके बाद होता यह है एक बच्चा जो है नील को धक्का दे देता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। यहाँ पे बे जो है नील को आके बचाती है एंड वो कहती है कि डफर 2 फीट पानी में कोई नहीं डूबता है। एंड फिर नील कहता है नहीं ये 4 फीट है। एंड इसके बाद वो कहती है कि इससे बड़ा तो मेरा जगूजी है। एंड फिर वो कहता है कि जगूजी में बहुत सारे लोग मरे हैं, 18 लोग मरे हैं नेक्स्ट मंथ, तुमको पता नहीं है क्या। एंड फिर वो कहती है कि तू क्या हो गया। एंड फिर ये दोनों बहस करने लग जाते हैं एंड देन नील नायर जो है वो कहता है कि तुम वही हो ना जिसकी वीडियो वायरल हो रही थी, तो एक काम करो तुम मेरे ऑफिस में मिलो मुझे और मैं एक जर्नलिज्म में काम करता हूं। एंड इधर होता ही है बे शॉक्ड हो जाती है कि यार ये मुझे क्यों बुला रहा है। एंड फिर पता चलता है कि जिस आदमी के बारे में इसने बोला था वो नील नायर के कंपनी का ही आदमी है। अब यहां पे बे जो है शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे सायरा कहती है कि हो सकता है वो तेरे पे केस ठोक दे क्योंकि तूने उनके बारे में बुरा भला बोला है एंड वीडियो भी वायरल कर दी है। एंड देन यहाँ पे बे जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में रह जाती है एंड ये एपिसोड जो है यहीं खत्म हो जाता है। तो भैया बे की जिंदगी में और क्या क्या मुश्किलें आएंगी और कितनी मुश्किलें ये बंदी झेलेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, इसको रहने की आदत ही नहीं है लो क्लास में। चलिए देखते हैं और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब आगे देखने के लिए, वीडियो को कीजिए लाइक और हाँ कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है वेब सीरीज और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए एंजॉय कीजिए।